हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मेरे पास जो मदरबोर्ड है, ये देखिए रेडमी 9C का मदरबोर्ड है और इसमें प्रॉब्लम था LCD और लाइट का। इसमें लाइट नहीं आ रहा था और ये वाटर डैमेज फ़ोन है। तो इस वीडियो में आपको इतना अच्छे तरीके से समझाऊँगा कि आप कोई भी रेडमी 9C, पोको C3, रेडमी 9A, रेडमी 9i का अगर आपका मदरबोर्ड आता है, सेट आता है, तो आप इजीली उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो मेरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और मेरे वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिए, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। आपको मगर अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे तो मैं जो जो बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम फिक्स कर लिया है, इसीलिए आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे करना है। तो आपको एक बात बता देता हूँ जानकारी के लिए, रेडमी 9A, रेडमी 9C, पोको C3 और Redmi 9i का ये जो चार मॉडल रहता है, चारों मॉडल का मदरबोर्ड सेम रहता है, मगर सिर्फ उसमें रैम रोम और कैमरे का सिर्फ फर्क रहता है, मगर मदरबोर्ड सेम रहता है। आपको सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आपका LCD में लाइट नहीं आता है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, मैंने यहाँ पर फ़ोटो डाला हुआ है और आपको समझाता हूँ कि देखिए जो फर्स्ट में है उसमें देखिए LED प्लस है, जो फर्स्ट है यहाँ पे LED प्लस है। तो आपको यहाँ पे समझना है अच्छे से, जो यहाँ पे फर्स्ट है उस पर आपको GR वैल्यू चेक करना है। आपको GR वैल्यू कौन कौन सा में चेक करना है, एक तो फर्स्ट वाले में, उसके बाद दूसरे नंबर को छोड़ना है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको चेक करना है और चौथे नंबर पे चेक करना है, और उसके बाद दो पिन को छोड़ना है और सात नंबर को चेक करना है। आपको चारों लाइन पे, आपको यहाँ पे जो चार है, यहाँ पे एक ऑरेंज है, एक पिंक है, एक येलो है और एक ब्लू है, ये चारों कलर पे आपको GR वैल्यू आना चाहिए प्रॉपर। अगर आपका GR वैल्यू इस चारों में से किसी पे नहीं आता है तो आपका लाइट नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पे मेरा क्या प्रॉब्लम था आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट पे, यहाँ पे देखिए जम्पर किया हूँ, यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट है LED प्लस का, इस पर यहाँ पे कोई भी GR नहीं आ रहा था। तो इसको यहाँ पे अगर आपका GR नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक जम्पर उठाना है, आपको पतले आयरन से आपको यहाँ पे जम्पर लेना है, यहाँ से एक जम्पर उठाना है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ फोटो, आपको मैं फोटो क्लिक करके डाल दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक कर लिया है, आपको यहाँ पे डाल दूंगा। देखिए आपको यहाँ पे यहाँ से जम्पर लेना है और आपको यहाँ पे यहाँ तक आप जम्पर कर देना है। और यहाँ पे जम्पर करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ का GR वैल्यू आपको ले लेना है। देखिए अगर यहाँ पे GR वैल्यू आता है आपका, तो यहाँ से आप जम्पर उठा के वहाँ पे कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मेरा यहाँ पे एक और क्या प्रॉब्लम था, और यहाँ पे मेरा एक प्रॉब्लम था सातवें नंबर लाइन पर, जो सातों नंबर का लाइन था, उस वो लाइन है LCD CABC का लाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफिक्स के लिए भी काम करता है। तो सात नंबर पे भी मेरा यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे GR नहीं आ रहा था। तो आपको सात नंबर पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे GR लिया तो यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सेमेटिक डायग्राम पे मैंने वहाँ उसको देखा, तो उसका यहाँ पे एक रजिस्टर से आ रहा था। देखिए यहाँ पे IC है, यहाँ पे देखिए एक IC है, यहाँ पे देखिए IC है, और यहाँ पे फोटो में भी आप सिमेट्रिक डायग्राम पे आप देख सकते हैं, ये IC से यहाँ पे देखिए ब्लू वाला, यहाँ पे ये IC 9 पिन का ये IC है। तो 9 नंबर पे अगर आप दूसरे नंबर पे देखेंगे तो दूसरे नंबर से यहाँ से आपको यहाँ गया है और यहाँ से इस पे गया है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे रजिस्टर पे, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा था, तो वैल्यू इस पे नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये IC ख़राब है, LCD IC ये ख़राब है, लाइट का IC ये ख़राब था। तो मैं यहाँ पे सेम मदरबोर्ड, ख़राब मदरबोर्ड था मेरे पास, तो उसको यहाँ पे यहाँ से इसके ख़राब वाले को निकाल के और वहाँ से निकाल के इस पर रिप्लेस किया हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मुझे जम्पर नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक वहाँ पे GR वैल्यू हमारा आ गया, तो हमारा लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मैं सोचा आपको कैसे आपको ट्रेस करना है, तो यहाँ पे फोटो मैंने डाल दिया है, वीडियो पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
आपका वैल्यू, आपका लाइन कहां से कहां तक जा रहा है। अगर आपको मालूम हो जाता है लाइन आपका कहां से कहां तक जा रहा है, तो आप इजीली वहां पे ट्रेस करके, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कैसे उसको ट्रेस करना है और कहां से हमको कैसे उस पर कैसे ट्रेस करना है और कहां तक सप्लाई आ रहा है, तो कहां से कहां तक हमको जम्पर करना है। ये वीडियो में इतना ही था और आपको मैं यहाँ पर और मैं आपको यहाँ पर जम्पर करके भी, यहाँ पे मेरा जम्पर छूट गया है दोस्तों, यहाँ पे जम्पर मेरा यहाँ पे यहाँ से छूट गया है, तो आपको यहाँ पे जम्पर करके मैं आपको दिखाऊंगा मेरा यहाँ पे एलसीडी पे लाइट आया है या नहीं आया है, एलसीडी पे लाइट और ग्राफिक्स आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो वेट कर लीजिए, मैं इसको जम्पर कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले आपको थ्योरिटिकल आपको समझना है कि हमारा कौन सा लाइन कहाँ तक जा रहा है और कौन सा लाइन कहाँ से आया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको करना है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको सबसे पहले जानना है कि हमारा लाइन कौन से और कहाँ तक जा रहा है, और यहाँ तक लाइन नहीं आ रहा है तो आईसी से जो निकला हुआ जो वैल्यू रहता है वो सप्लाई, वो अगर आपका मिसिंग हो जाएगा, आईसी ख़राब हो जाएगा, तो आपका सप्लाई नहीं आता है। तो आपको अच्छे तरीके से समझना है कि वहाँ पे आ नहीं रहा है। तो एक और बात बता देता हूँ, अगर यहाँ पर मेरा ये रजिस्टर ख़राब होता, अगर यहाँ पे मेरा जो सी ए बी सी का लाइन है, अगर यहाँ पे ये रजिस्टर ख़राब होता, अगर यहाँ पे ये शॉर्ट होता या ख़राब होता, यहाँ पे लाइन पे कोई भी मिस्टेक यहाँ पे होता, कोई भी लीकेज होता या ओपन होता या शॉर्ट होता, तो मेरा यहाँ पे आईसी ठीक है, मगर वो सिर्फ वो रजिस्टर ख़राब होने की वजह से वैल्यू हमारा वहाँ पे नहीं जाता है। मगर यहाँ पे मेरा रजिस्टर ठीक था मगर लाइट आईसी ख़राब था, तो लाइट आईसी को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया हूँ, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यहाँ पे एक जम्पर छूट गया दोस्तों, तो इसको जम्पर करके मैं आपको फटाफट आपको चेक करा देता हूँ हमारा यहाँ पे लाइट आया है या नहीं आया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा लाइट आ चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे लाइट आ चुका है डिस्प्ले पे। ये मेरा पुराना जो सेट में है वो वाटर डैमेज के कारण से उसका डिस्प्ले ख़राब हो चुका है, तो मैं यहाँ पे नया कॉम्बो यानी कि फोल्डर पे यहाँ पे चेक किया हूँ, तो हमारा यहाँ पे देखिए लाइट और ग्राफिक्स दोनों आ चुका है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे इन्फॉर्मेशन ट्यूटोरियल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको मेरे वीडियो पे कहीं पे भी कमी लगता है, अगर आपको और भी कोई सुझाव सलाह हो तो आप हमको बताइए, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे और उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही ट्यूटोरियल पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।